हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रेडिक्शन वर्ल्ड में। तो आइए आज के प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। तो यानी 5 जून के दूसरे मुकाबले की तरफ बात करते हैं। 5 जून को अफगानिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के बीच मैच होने वाला है, जो कि रात 8 बजे से शुरू होगा। यह मैच भी उसी स्टेडियम यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में होना है। यह भी रात 8 बजे से शुरू होगा। पिछला मैच काफ़ी अच्छा हुआ था, अफगानिस्तान टीम ने उस मैच को जीत लिया। इस मैच में भी पिच कंडीशन सेम होने वाली है पहले मैच की तरह। इस मैच में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि कौन बाहर हो सकता है, अफगानिस्तान टीम से या बांग्लादेश की टीम से। अफगानिस्तान की टीम तो जीती है मैच, तो शायद ही कोई बाहर बैठे, लेकिन बांग्लादेश की टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो आइए अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की तरफ एक नज़र डालते हैं। मोहम्मद शहजाद विकेट कीपर, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था पिछले मैच में, 40 रन बनाकर आउट हुए थे। अच्छा मेरा प्रेडिक्शन हुआ था, इन्हें वाइस कैप्टन मैंने बनाने की सलाह दी थी, जो लगभग सही हुई। और उस्मान गनी, ये भी अच्छे बैट्समैन है। असगर, ये भी कप्तान है अफगानिस्तान टीम के। सैफिकुल्ला सफीक, ये भी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले मैच में। नजीबुल्ला जार्डन, ये भी अच्छे बैट्समैन है। मोहम्मद नबी, पिछले मैच में रन तो नहीं बना पाए, लेकिन अच्छा विकेट निकाला अपनी टीम के लिए। सैमुल्ला सेनवारी, इन्होंने क्या गजब की पारी खेली थी पिछले मैच में। ताबड़तोड़ 37 रनों का पारी खेला, जो कि अफगानिस्तान टीम की जीत में काफ़ी श्रेय रहा इन दोनों का, सेनवारी और राशिद खान का। राशिद खान ने 3 विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया और अपनी इस टीम को 100% जिताने में श्रेय दोनों का जाता है। और मुजीबुर रहमान भी एक अच्छे बॉलर थे, जिन्होंने पहला विकेट लिया था इकबाल का। करीम जन्नत, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं। सफूर जार्डन, इन्होंने भी 3 विकेट लिए लास्ट ओवरों में। ये अच्छे टीम है अफगानिस्तान टीम की। आइए अब बांग्लादेश प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। तमीम इकबाल, जो कि पिछले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन था। रिटन दास, जिन्होंने 30 रन बनाए थे पिछले मैच में, इन्हें मैंने कप्तान बनाने का श्रेय सजेशन दिया था, जो काफ़ी लगभग सही था। शकीबुल हसन कप्तान थे पिछले मैच में, 1 विकेट और 15 रन, शायद 15-20 रन मारे थे, और इन्हें कप्तान भी बनाने का सजेशन दिया था मैंने, जो कि लगभग सही था। मुजीबुर रहमान विकेट कीपर बैट्समैन, महमूदुल्लाह क्या गजब का प्रदर्शन था पिछले मैच में इनका भी। साबिर रहमान, पिछले मैच में कुछ खासा प्रदर्शन इनका नहीं रहा। मोसडेक हसन, रुबेल हुसैन, नजीमुल्ला इस्लाम, अबुल हसन, अबू जायद, नजीमुल्ला इस्लाम इस मैच में पिछले मैच में खेले थे, इस मैच में भी शायद खेल सकते हैं। आइए अब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मेरे नज़रिए से तमीम इकबाल को आप अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि यह पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किए थे, 0 रन पे आउट हो चुके हुए हैं, तो इस मैच में कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। महमूदुल्ला, ये तो बेस्ट ऑप्शन है कप्तान के। असगर, ये भी अच्छे उम्मीदवार हैं। लिप्टन दास, 30 रन बनाए थे पिछले मैच में। राशिद खान को आप वाइस कैप्टन या कप्तान बना भी सकते हैं। मोहम्मद शहजाद, इनको तो छोड़िएगा मत, क्योंकि यह धोनी की तरह अच्छे अच्छे शॉट लगाए थे पिछले मैच में और 40 रन की पारी खेली थी। तो इस तरह यह रहा फुल डिटेल्स कल के मैच के, यानी 5 जून को होने वाले मैच का फुल डिटेल। तो आइए हम ड्रीम 11 टीम को की तरफ एक नज़र डालते हैं। तो दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं,
बांग्लादेश पिछला मैच हार चुकी है, इस मैच में वापसी कर सकती है क्योंकि बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है। देखिए मेरी टीम तो ये है, महमूदुल्लाह कप्तान, वाइस कैप्टन मोहम्मद शहजाद, तमीम इकबाल भी टीम में हैं जो टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। लिट्टन दास अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, निदास ट्रॉफी से ही साकिबुल हसन ऑलराउंडर प्रदर्शन कप्तान हैं। नबी तो पिछले मैच में क्या गजब की बॉलिंग, दो विकेट निकाला था। असगर जो कप्तान है अफगानिस्तान के सेनवारी, ये तो इनका बात अगर आपने पिछला मुकाबला देखा होगा तो इनकी बात करने लायक ही नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या गजब की पारी खेली थी, 37 रन बनाए थे। राशिद खान 3 विकेट जिन्होंने निकाला, मुजीबुर रहमान, अबू हैदर 2 बॉलर हैं बांग्लादेश के और 3 बॉलर हैं अफगानिस्तान टीम के, 4 बैट्समैन हैं अफगानिस्तान टीम के और 4 ही बैट्समैन हैं बांग्लादेश टीम के। कप्तान हैं महमूदुल्लाह जो कि एक ऑलराउंडर हैं, पिछले मैच में बॉलिंग भी की थी और एक शायद 2 विकेट भी निकाला था। मोहम्मद शहजाद, इनकी तो बात ही आप जानते ही हैं, 40 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी पिक के साथ टीम बनाते हैं। तो दोस्तों 100% सही हो सकती है यह पिक, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती ही है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल डिटेल है टीम की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।